तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। इकाई मान हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट, तो उसमें हमने एक वीडियो बनाया है और वो अगर आपने समझ लिया है तो इसको भी समझना आसान होगा। देखते हैं और किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक सवाल एक बार पूछा भी गया है, जैसे 32 का पावर 32 और फिर पावर 32, तो ये एक सवाल है और एक इसी तरह का और सवाल है, ठीक है, कि 32 का पावर 32 और ये ब्रैकेट 32 लिखा हुआ है। अब ये दोनों का मतलब सेम है या नहीं है, सेम पहले इसको समझते हैं। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे एक बात समझिए कि 2 का पावर हमने लिखा 3 और 3 का पावर लिखा 2, और किसी ने लिखा 2 का पावर 3 और ऐसे लिखा 2 का पावर ये इसका पावर 2, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 2 का पावर 9 पहले मतलब ऊपर से हल करते हुए आए, तो ठीक है, तो ये 3 का पावर 2 कितना हो गया, 9, और इसका मतलब हो गया कि गुना, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना, यानी 3 गुने 2, यानी देखिए यहाँ 2 का पावर 9 बन रहा है और 2 का पावर 6 बन रहा है, तो आप बराबर कह सकते हैं इसको, बिल्कुल आप बराबर नहीं कह सकते थे, बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनिट डिजिट अगर आप निकाल रहे हैं, अगर इन दोनों का यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो दोनों में आंसर सेम आएगा। यूनिट डिजिट अगर आप निकाल रहे हैं तो दोनों में आंसर सेम आएगा। ये सवाल कोई कोई बुक में कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कोई कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो आप 32 का पावर 32 बार लिख के तो आप नहीं निकाल सकते, है ना, 32 गुने 32 गुने 32। आप ये कर सकते हैं कि 32 गुने, ये तो गुना हो जाएगा ब्रैकेट का मतलब, तो 32 गुने इसका मतलब 32 बार लिखना है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब हो गया कि 32 का पावर जो ये 32 है ये 32 बार है, मतलब 32 32 यानी 32 32 यानी 32 टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो ये इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि 32 का पावर ये 32 गुने 32। लेकिन देखिए, बनाना दोनों आसान है, ठीक है, अब इतना गुना हम लोग नहीं करेंगे, आप तरीके को समझिए पहले। सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि जब इकाई मान निकाल रहे हैं तो इकाई अंक से मतलब होता है, तो इस 32 में इकाई अंक 2 है, ठीक है, यानी 2 से हमको मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको पता है, हम लोगों को पता है कि जब इकाई में 2 रहे और उसका पावर कुछ भी रहे तो उसको हम लोग कितना से भागा देते हैं, 4 से, और 4 से भागा देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे, और शेषफल नहीं अगर आता है, 0 आ जाता है, तो उस केस में हम 4 से भागा दे रहे थे तो 4 को ही छोड़ देंगे, ऐसा हमने कल पढ़ा था, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो बताइए 2 का पावर जो भी है ये, इसको 4 से भागा देना, यानी 32 का पावर 32 को 4 से भागा देना, आप बताइए भाग लगेगा कि नहीं। 32 का पावर 32 का मतलब हो गया कि 32 32 को अगर हम लोग 32 बार लिखेंगे तो 4 से तो भागा जाएगा ही, नहीं भागा जाएगा, इसमें तो बहुत सारा 4 भी है 2 भी है, तो ये भाग लग गया। इसका मतलब यहाँ से हमको रिमाइंडर्स 0 मिला, इसका मतलब 2 का पावर 4 ही इसका उत्तर हो गया। इसका मान होता है 16, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इस अगर ऐसा सवाल रहे तब भी वही बात है कि आप 32 का पावर है यहाँ पे 32 गुने 32, इसको भी हम लोग जानते हैं जब इकाई में 2 हो तो उसके पावर को 4 से भागा देते हैं, अभी भी ये 4 से भागा लग जा रहा है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 4 से भागा लग गया तो 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये रुको रुको एक सेकंड, चलो, तो इसका मतलब आप 4 से फिर से आप देख रहे हैं कि भागा लग जाएगा, तो आप 2 का पावर 4 लिखेंगे और इसका भी मान, इकाई का मान 6 ही आएगा, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए आगे का सवाल मान लीजिए, अगर ये सवाल ऐसे रहेगा कि आप लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 33 ले लिए, बार बार 32 नहीं, 32 का पावर 34 और 34 का पावर 35, 35 का पावर 36, इस तरह ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसका अगर इकाई मान निकालने के लिए कहा गया कि आप इकाई अंक बताइए इसका क्या होगा, अब क्या करेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इकाई अंक इस संख्या का इकाई अंक 3 है, इस 3 से मतलब नहीं, अगर इकाई अंक 3 है तो इसके पावर को 4 से भागा देंगे। अब आप जान रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अगर ये इतना ही दूर तक होता, ये इन्फिनिटी तक नहीं होता, अगर 34 का पावर अगर 35 होता तो हम लोग क्या लिखते,
34 को लिखते कितना बार? 35 बार। कितना लिखते? 35 बार, है ना। 35 बार क्यों लिखते? क्योंकि अगर ये इतना दूर तक रहता, आप समझ पा रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ अगर नहीं होता, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट होता ऐसे, आप समझिए पहले, अगर ये सवाल ऐसे होता, ठीक है, 33 का पावर 34 और ऐसे रहता 35, ठीक है, तो आप यहाँ पे गुना करते, और ये अगर नहीं रहता तो हम लोग क्या लिखते? 34 को हम 35 बार लिखते। लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि आप समझिए इस लाइन में आप कि 34 34 कितना बार लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इकाई अंक लिखा, इस 3 से कोई मतलब है नहीं, तो 34 अब कितना बार लिख सकते हैं? 34 34 यहाँ तक रहता तो 35 बार लिखते, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम 34 34 इन्फिनिटी बार लिखाएगा, हमको नहीं पता ये कितना बार होगा। और आप सोचिए कि ये 4 से भागा लगेगा, बोला बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 34 में एक एक दो होता है, 17 दूनी 34, एक दो यहाँ से मिल जाएगा, एक दो यहाँ से मिल जाएगा, 4 से कट जाएगा, और ये जो बच गया एक्स्ट्रा वो हमारा भागफल बच गया, ठीक है, यानी ये भाग लग जाएगा। और भाग लग जाने के केस में हमने कहा था कि जिससे भाग लगाया उसी को छोड़ देंगे, तो 3 का पावर 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27 3 81, इकाई मान कितना होगा? 1 हमारा इकाई मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, जो पूछा हुआ सवाल हो सकता है, और नहीं तो अगर इस तरह का सवाल कभी पूछे तो आप बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा 7 का पावर 95 और 3 का पावर लिखा 58, और इसका इकाई मान बताएं, इसका इकाई मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अगर किसी संख्या के अंत में 7 है तो इसके पावर को कितना से भागा देंगे? 4 से। तो मान लीजिए इसको 4 से भागा दिए, 3 है तब भी 4 से भागा देंगे, 4 से भागा लग जाने के बाद शेषफल बचा 3, तो हमने 3 लिख दिया। इसको 4 से भागा लगाने पर शेषफल बचा 2, तो 2 लिख दिया हमने। अब ये देखिए, अब क्या होगा कि जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 9 आएगा, और 9 7 9 9 7 63, तो इसका इसका मान कितना आएगा इकाई में? 3, और इसका कितना आएगा? 3 3 9। तब तो क्या ये -6 आ जा रहा है, तो क्या इकाई में -6 होगा? तो अरे इकाई में तो -6 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग ये संख्या बड़ी संख्या है। सवाल क्या था हमारा? 4 से हमने भागा जरूर दिया है, लेकिन सवाल हमारा था 7 का पावर 95 में घटाना है 3 का पावर 58, तो ये संख्या बड़ी थी, पावर भी बड़ा था, ये संख्या छोटी है और ये पावर भी छोटा है, ये संख्या में घटाने पर ये नेगेटिव कहाँ से आ गया? तो ये गलत कहाँ हो रहा है? इस तरह से आप सोचना है कि देखिए ये 3 नहीं है, वास्तव में ये संख्या बहुत बड़ी है, जैसे ये संख्या बहुत बड़ी चलती चलती इकाई में 3 है, ये संख्या 3 नहीं है, इकाई में 3 है, ये भी संख्या इतना ही बड़ा नहीं, 3 का पावर 58 होने पर ये कितना आया था? इसका 3 आया था और इसका 9 आया था, तो इसके इकाई में 9 है ये, ना कि 9 है, ठीक है, इकाई में 9 है। तो हम लोग जानते हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो हम लोग घटाते तो ऐसे थोड़ी ना घटाते हैं कि 9 में 3 घटा दिए और -6 लिख दिए। हम लोग जानते हैं अगर 3 में 9 नहीं घटता है तो हम लोग पहचान लेते हैं ना, ठीक है, इससे 1 लेते हैं इधर, तो ये 13 बन जाता है, और 13 में 9 जाएगा तो कितना होगा? 4। समझ पा रहे होंगे आसानी से? तो देखिए इसके इकाई में 3 है, इसके इकाई में 9 है, इससे इसको कैसे घटाएंगे? जब ये एक हाथ से पहचान लेगा तो 13 बन जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? उत्तर 4। तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा? 4, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बार इकाई मान ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फैक्टोरियल्स अगर रहे तो उसका इकाई मान क्या होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल्स होता क्या है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है ऐसे, अच्छा ये फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है, ऐसे भी आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 1 से लेके 2 तक, जहाँ तक 1 गुने 2। अगर फैक्टोरियल 3 है तो आपको शुरुआत 1 से ही करना है, 1 गुने 2 गुने 3 तक, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 4 है इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है इसका मतलब क्या हो गया? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, इस तरह करके 10 तक आपको गुना करना है,
ठीक है। अब आप समझिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 11, तो देखने में तो ये लग रहा है कि अरे फैक्टोरियल 11 चार से भागा लगेगा अथवा नहीं लगेगा। अच्छा आप बताइए फैक्टोरियल 11 चार से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे ये 11 नहीं फैक्टोरियल 11, इसका मतलब ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × इस तरह करके अगर 11 तक है तो 4 से क्यों नहीं भाग लगेगा। देखिए भाग लग गया, ये सब जो बचा वो भागफल हो गया, शेषफल थोड़ी ना हुआ, भाग तो लग रहा है। यानी इसके अंदर फैक्टोरियल के 11 के अंदर 4 भी है, 2 भी ढेर सारा है, ठीक है, और इसके अंदर 3 भी है, 5 भी है ना, 7 भी है, 7 से भी ये भागा जाएगा, 11 भी है, 11 से भाग जाएगा। तो आप समझ रहे हैं फैक्टोरियल किसको बोलते हैं। चलिए अगर फैक्टोरियल समझ में आ गया तो हम इस सवाल को बना सकते हैं, इसका इकाई मान क्या होगा। चलिए अगर एक चीज और, जहां जहां देखिए इसमें ना फैक्टोरियल पढ़ते समय आपको छोटी छोटी बहुत सारी बातों को जानना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग को जहां जहां आवश्यकता होगा वहां छोटी छोटी बातें को हम लोग बताएंगे। जैसे अभी फैक्टोरियल हमने देखा कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 है तो इसका मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 हो गया, ठीक है। आपको पता है कि कभी भी कोई संख्या के इकाई में 0 कब आ जाता है, जब 5 × कोई भी सम संख्या होगा, ठीक है, तो इसके इकाई मान में क्या आ जाएगा, 0। तो आप देखिए फैक्टोरियल 6 में 5 आ गया और इसके साथ सम संख्या भी आ गया, तो आप जानिए कि फैक्टोरियल 5 कितना होता, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो इसमें भी तो 0 आ गया इकाई में, है ना, इकाई में 0। यानी 5 से ऊपर फैक्टोरियल 5 और 5 से ऊपर क्या हो जाएगा कि सबके इकाई में 0 आ जाएगा। अब आप कभी भी इकाई मान को निकाल रहे होंगे, अगर गुना में है तो पूरा 0 हो जाएगा, अरे 0 किसी के साथ गुना होता है तो पूरा 0 हो जाता है, लेकिन अगर जोड़ है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है 8, 7, 5 और इसके साथ कोई भी संख्या और भी है मान लीजिए, और ऐसे करके यहाँ पे जोड़ना है 1000, तो बताइए इकाई पर इसके वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकाई में 0 है, फर्क तो इससे पड़ेगा। यानी जहां से 0 आना स्टार्ट हो जाएगा वहां से बात हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप सोचिए कि फैक्टोरियल 5 के बाद आगे जितनी भी फैक्टोरियल होगी सबके इकाई में 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो इसमें भी तो 1 × 2 करते करते 5 आएगा, फैक्टोरियल 7 लिखेंगे तो 1 × 2 × करके एक जगह 5 तो आएगा ही और सम संख्या तो आएगा ही। यानी 5 से ऊपर सारा हमारा क्या हो जाएगा, इकाई में 0 हो जाएगा। यानी हमको कैलकुलेट सिर्फ करना है फैक्टोरियल 4 तक, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो गया, 2 का मान 2 × 1 तो 2 ही हो गया, और इसका मान 1 3 बढ़ा तो 3 × 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का मान 6 × 24 हो जाएगा, यही तो आया। और इसके बाद जो मान आएगा, ये मान लीजिए इसके बाद फैक्टोरियल 5 आएगा तो 24 × 5 = 20 होगा, तो इकाई में तो 0 आ गया ना, हमको इकाई कैलकुलेट करना है तो बाकी अंक से मतलब नहीं है, तो यहाँ से सबका इकाई मान 0 आ जाएगा, इसलिए इधर का नहीं लेना है। अब इधर का निकालेंगे अगर चाहेंगे तो इसमें भी इकाई मान लेंगे, इस 2 को छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो 6 × 4 = 10 हो गया, 10 × 3 = 13, इकाई में कितना बना, 3 बना। अगर लेते भी तो ये 30 और 3 = 33, तब भी इकाई में 3 ही होता, और इसमें 0 0 है तो 0 0 इकाई में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद उधर 0 बनता है, तो ये बेहद ही आसान है, देखने में लग सकता है शुरुआत में आप फैक्टोरियल देख रहे होंगे तो मुश्किल लग सकता है। चलिए इस बार हम लोग ये सवाल को लिए हैं, देखिए 2 का पावर, जो पावर है ये पावर में मतलब फैक्टोरियल 1, 2, 3 और 100 तक है। आप जाहिर बात है कि इसको अगर हल करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि फैक्टोरियल 100 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 × 2 × 3 × 100 तक गुना करना पड़ेगा। इसी तरह फैक्टोरियल 99 है कहीं, फिर है 98, इस तरह आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, तो कैसे इसको हल करें। तो हम लोगों ने जो सीखा है, क्या सीखा है पहले पहले वीडियो में, कि 2, 3, 7, 8 अगर इकाई में रहे तो इसके पावर को 4 से भागा देंगे, अगर 4 और 9 हो तो इसके पावर को 2 से भागा देंगे, और अगर 0, 1, 5, 6 हो तो इसका पावर कुछ भी हो इकाई मान बदलता नहीं है। इस चीज़ पे गौर करेंगे, और सबसे पहले ये जो टर्म आ गया फैक्टोरियल वाला टर्म जिसको हम लोग 4 अथवा 2 से भागा देना है, तो इस चीज़ को एक बार हम लोग ना समझ लेते हैं कि 4 से भागा देने पे रिजल्ट क्या आता है, और भागा देके हम लोग क्या देखते हैं, भागा देने के बाद शेषफल देखते हैं, और अगर भाग लग जाता है तो 4 ही छोड़ देते हैं, अगर 2 से भागा दे रहे थे तो 2 ही छोड़ देते हैं। बात को समझ रहे होंगे, पहले अगर वीडियो देखा हुआ है आपका तो हम लोग क्या करें इसमें, पहले इस चीज को जो लिखा हुआ है ना इसको 4 से भागा दे देंगे अथवा 2 से देंगे, और बाकी चीज में तो देना जरूरत नहीं। अगर इकाई में 1, 5, 6 अगर हो तो हम लोग क्या
क्या करेंगे, जैसे का तैसे इकाई मान रह जाएगा। तो हम लोग चार और दो से भागा एक बार देख के इस टर्म को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके हर बार नहीं भागा देंगे, एक बार करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है उसको आप देखिए। तो फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल तीन और फैक्टोरियल चार, यहाँ से भागा फैक्टोरियल 100 तक को अगर हम चार से भागा देते हैं और तब देखते हैं कि हमको शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर्स क्या आता है, तो आप कहेंगे यहाँ से तो जीरो जीरो, यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं आना है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बात और समझिए, ठीक है, हो सकता है ये बात आपको नहीं समझ में आए, कि जैसे लिखा हमने 65 और यहाँ लिखा 66 और हमने भागा इसको दे दिया, कहा कि चार से आप भागा दीजिए और बताइए शेषफल क्या होगा। तो एक तो तरीका ऐसे का आप जोड़िए 6 5 11 का 1, 6 6 12 और 1 13 और 4 से भागा हमने दे दिया, 4 3 12 1 चल गया, 4 2 8 3 हो गया शेषफल, है ना। तो एक तरीका और भी का आप जोड़िए, नहीं आप इसको अलग से भागा देके शेषफल लिखिए, इसको अलग से भागा देके शेषफल लिखिए, जैसे 4 से इसको भागा दे दिए तो 1 शेषफल आया, 4 से इसको भागा दे दिए तो 2 शेषफल आया, दोनों को जोड़ने पर कितना, यहाँ जोड़ है तो दोनों को जोड़ने पर कितना आया 3। तो वही काम करते हैं, इसको पूरा जोड़ के 4 से भागा देने का आवश्यकता नहीं, अलग अलग देंगे। ये है 1, 4 से 1 भागा नहीं जाएगा तो 1 ही शेष रह जाएगा, ठीक है। भागा कब जाता है, जब 4 से बड़ी हो तब भागा लग के जो बचता है वो शेष होता है। इसका मान होता है 2, 4 से भागा देंगे तो ये 2 ही होगा, और इसका मान होता है 6, अगर 4 से भागा देंगे तो इसमें भी 2 होगा, और इसका मान है इसमें जब फैक्टोरियल 4 है तो 1 × 2 × 3 × 4 है, भाग तो पूरा पूरी लग जाएगी 4 है, तो यहाँ से ऊपर फैक्टोरियल हब सब में 4 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 है तो 4 तो है, तो यहाँ से कुछ शेषफल नहीं आना है, मतलब 0 0 0 आना है, ठीक है। और भागा हम किससे लगा रहे थे, 4 से, तो ये कितना आया, 2 2 4 और 1 5 आया। तो क्या 4 से भागा लगाने पर 5 शेषफल हो सकता है, बोला नहीं, अभी तो और भागा लगेगा, तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। अगर 2 से भागा लगा रहे होते तब क्या होता, तो यहाँ से ऊपर सारा भाग लग जाता तो हमारा वहाँ भी शेषफल 1 आता, है ना। आप अगर एक बार इस बात को आप समझ गए तो ये सवाल आपका हल हो गया। आप देखिए हम कैसे हल करते हैं, अगर इसके पावर को 4 से भागा देंगे, और हमने भी लगा के देखा था 4 से भागा तो कितना आया था शेषफल 1, तो 2 का पावर 1 ही लिखेंगे, इसको भी 4 से भागा लगाएंगे तो 1 ही आएगा, और इसके बाद था 4 तो 4 को भी भागा लगाएंगे 2 से तो उसमें भी हमारा शेषफल 1 आ रहा था, और 5 का पावर कुछ भी हो तो 5 ही होगा, और 6 का पावर भी कुछ भी हो तो 6 ही होगा, और जब 7 का पावर अगर फैक्टोरियल हो और उसको 4 से भागा लगाएंगे तब भी तो शेषफल 1 आएगा, 8 है उसके पावर को 4 से भागा लगाएंगे वहां से भी शेषफल 1 आएगा, अब 9 का पावर ठीक है जो फैक्टोरियल है इसको अगर हम 2 से भागा देंगे तो वहां से भी शेषफल हमारा 1 आएगा, यानी कि हम सिर्फ इस चीज को जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब जोड़ने के कई तरीके हैं, आप पहले औसत निकाल के टर्म देखिए, 8 टर्म है तो 9 और 2 11, अरे फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म तो औसत हो गया 11/2, और योग निकालना है तो 8 टर्म है तो 8 से भागा दे दिए तो कितना आएगा 44, तो इसका 44 आएगा योग, यानी कि इकाई में कितना आएगा 4। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप करिए 6 4 10, इकाई में 0 आ गया, बात खत्म, 0 किसी के साथ आप जोड़ेंगे तो फायदा होगा नहीं। देखिए 8 7 15 और 5 20, फिर 0 आ गया, ठीक है, बचा कितना जी 9 8 2 11 3 14, इकाई में कितना आएगा 4, अथवा आप जोड़ ही लीजिए 44 आएगा, इकाई में 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस सवाल को एक बार खुद से भी बनाने का प्रयास करिए, है ना। हम लोग जानते हैं इकाई ये, इसका सबसे पहले आप क्या करें, थोड़ा सा आप इसको हल कर देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही हो गया, और पावर है फैक्टोरियल 1 तो 1 1 1 हो गया, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 2 का मान 1 × 2 2 हो गया, और 2 का पावर 2 हो गया, 3 × 2 6 है, और इसका भी पावर फैक्टोरियल 3 है तो पावर 6 हो गया। आप देखिए ये 4 है तो 6 × 24 है, तो 24 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इकाई मान निकालना है तो 4 ही लिखेंगे, लेकिन पावर है 24 तो 24 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 24 × 5 = 120, ये 5 नहीं है, फैक्टोरियल 5 है, 5 जब फैक्टोरियल 5 को हल करेंगे तो इकाई में 0 आ जाएगा, आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 5 और सम संख्या आ जाती है 0। अब 0 का पावर कुछ भी हो तो ये तो 0 ही मान देगा इकाई में। अच्छा फैक्टोरियल 6, बोले इसमें भी इकाई में 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 होता है, तो 5 तो आया, 5 के साथ सम संख्या आया, तो इसका भी मान 0 होगा, और पावर कुछ भी रहे तो 0 का पावर 0 होगा, मतलब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो सबके इकाई मान में 0 आ जाएगा, सबका इकाई में क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ से ऊपर आने हल हमको इतना ही दूर का करना है। अब देखिए अभी सवाल को, अब आसान लग रहा होगा ये सवाल,
ये तो एक हो गया, ये चार हो गया, और पावर छः का कुछ भी हो तो छः ही होता है इकाई में, और हम लोग जानते हैं कि इकाई में चार हो तो भागा देते हैं दो से, और ये भाग लग जाने पर दो ही छोड़ देते हैं, है ना। तो अब देखिए ये छः चार दस इकाई में तो जीरो बनाएगा, इसको कैलकुलेट नहीं करिए। ये एक हो गया और ये चार चक्का सोलह छः हो गया, यानी कि इकाई में सात होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक कुछ सवाल और ले लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं, चार से अथवा दो से भाग देते हैं, तो उसमें शेषफल क्या आता है। तो आप देखिए, जब अगर चार से भागा दे रहे हैं और जिस संख्या को दे रहे हैं, अगर इसमें चार उपस्थित है तो शेषफल कुछ नहीं देगा, रिमाइंडर जीरो देगा। तो आप बताइए फैक्टोरियल 112, अगर ये 11 भी होता तो आप देखिए ये 112 नहीं है, फैक्टोरियल 112 है। इसका मतलब एक गुने दो गुने तीन गुने चार 112 तक लिखा हुआ है। तो आप इसको चार से दें चाहे दस से दें अथवा 25 से दें तो भाग लगेगा ही, क्योंकि अगर इसके अंदर एक गुने दो गुने पाँच 112 तक करेंगे तो पाँच भी ढेर बार आ जाएगा। बहुत से इकाई में दो हो तो उस संख्या को हम चार से भाग देते हैं और ये भाग लग जाता है, और भाग लग जाने पर चार छोड़ देते हैं। अगर इकाई में तीन हो तो इसको भी चार से भागा देते हैं और इसका भाग लग जाएगा। आप 113 आप सोच रहे हो कि भाग नहीं लगता है तो ये कैसे भाग लगेगा, 113 नहीं है, फैक्टोरियल 113 है। मतलब एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने छः गुने इस तरह करके 113 अगर इसे चार से भागा देंगे तो इसे भाग नहीं लग रहा है क्या, तो कट जा रहा है, भाग लग जा रहा है। तो इसीलिए जब भाग लग जाने की स्थिति में क्या हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हम जिससे भाग लगा रहे होते उसी को हम लोग लिख देते हैं। चार इकाई में तो पावर दो से भागा देते हैं और भागा लग जाता है तो दो ही छोड़ देते हैं, और छः का पावर कुछ भी हो तो छः ही लिखते हैं। अब इसको हल कर सकते हैं, ये कितना होगा, इकाई में छः सोलह आएगा ना, ये तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, तिया इक्यासी एक आ जाएगा, और चार छः सोलह का ये छः आ जाएगा, ये छः आ जाएगा, छः तिया अट्ठारह एक उन्नीस, तो इकाई में क्या आ जाएगा, नौ। ठीक है, एक लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिट डिजिट का सवाल खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर चलेंगे कितने क्या पढ़ेंगे हम लोग, दहाई अंक निकालना। ठीक है, चाहे तो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अगर पता चल जाए तो इकाई भी देख लेंगे हम लोग और दहाई स्थान भी देख लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक सवाल है कि फैक्टोरियल 81 ऐसा लिख देते हैं, फैक्टोरियल 81 का पावर यहाँ पे 89 दे दिए, अब कहेगा इकाई मान क्या होगा, इकाई मान, तो इससे ज़्यादा आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। देखिए अगर फैक्टोरियल 81 को हल करेंगे तो इकाई में ढेर सारा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि जीरो कैसे बनता है, पाँच गुने सम संख्या से। अगर एक पाँच हो तो, और बहुत सारे सम संख्या हो और एक ही पाँच हो तो एक जीरो बनेगा, और अगर बहुत सारे पाँच और बहुत सारे सम संख्या हो तो बहुत सारे जीरो बनेंगे। ठीक है, तो जीरो तो इसमें बनेगा, क्यों बनेगा जीरो, क्योंकि एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने अगर 81 बार हम लोग लिखते जाएंगे, 81 तक लिखते जाएंगे, छः गुने सात, तो बहुत बार पाँच आने वाला है और बहुत बार सम संख्या आने वाला है, तो बहुत सारा जीरो आएगा। और अगर इसके स्थान पे कोई भी संख्या जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे इकाई में जीरो हो तो पावर कुछ भी हो, है ना, एक संख्या के पावर कुछ भी हो और इसके भी पावर में जीरो आएगा। खैर इसका पावर से मतलब है नहीं, है बहुत बड़ी संख्या आएगा, जीरो का मान कुछ भी हो तो इकाई मान क्या हो जाता है, जीरो। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हो सकता है कहीं कहीं समझाने में दिक्कत हुआ हो तो आप उसको, चाहे दिक्कत हुआ हो समझने में या समझाने में, उसको बार बार एक वीडियो को देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, और दहाई अंक सीखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।